पथ परिवहन निगम हमीरपुर डिवीजन के सभी 5 डिपो में चालकों की कमी से खासी परेशानी झेलनी पड़ रही है। पथ परिवहन निगम डिपो सहित सभी 5 पथ परिवहन निगम के डिपो में चालकों की भर्ती प्रक्रिया सरकार के विचाराधीन है। हमीरपुर पथ परिवहन निगम हमीरपुर डिपो में 42, नालागढ़ में 55, ऊना में 19, देहरा में 15 तथा बिलासपुर में 23 चालकों की कमी से परिवहन निगम चालकों को खासी परेशानी पेश आ रही है। चालक पथ परिवहन निगम के उच्च अधिकारियों के समक्ष भी अपनी समस्या रख चुके हैं। इस संदर्भ में पथ परिवहन निगम हमीरपुर में मंडलीय प्रबंधक दलजीत सिंह ने बताया कि चालकों की कमी को लेकर कुछ निगम के नए रूट तथा 4 इलेक्ट्रॉनिक टैक्सियां चलाने को लेकर भी चालक तैनात किए गए हैं। हमीरपुर डिपो में सरकारी बसों के करीबन 134 रूट हैं। मंडलीय प्रबंधक के अधीन आने वाले 5 डिपो में चालकों की कमी के बारे में विभागीय प्रबंधन को भी अवगत करवाया गया है। वर्कशॉप के लिए भूमि की तलाश शुरू कर दी गई है। इस वक्त हमीरपुर यूनिट में 134 रूट चल रहे हैं और लगभग 42 चालकों की यहाँ कमी चल रही है और पूरे डिवीजन के अंदर जो है वो लगभग 140 के लगभग चालक कम है। ये बात हायर मैनेजमेंट और मतलब सरकार के ध्यान में लाई जाती है और ऐसा मतलब आश्वासन दिया गया है कि इसके ऊपर जल्दी भर्ती की प्रक्रिया भी शुरू करेंगे और जो वर्कशॉप की जो और बस स्टैंड की जो प्रॉब्लम है इसको भी मंत्री जी ने कहा कि बहुत जल्द जो है इसमें बजट का प्रावधान करके इसका काम जो शुरू करेंगे। कोशिश करते हैं कि बहुत मतलब कम रूट प्रभावित हों, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि चालक को छुट्टी ज्यादा चले जाते हैं या कोई विवाह शादी का जो समय है तब ऐसी दिक्कत आती है। अदरवाइज हम रूट वैसे जो है चलाने की पूरी मतलब प्रयास जो है इसमें बता दिया आपको कि चालक कम है इस वजह से प्रॉपरली जो है हालांकि छुट्टी दी जा रही है उनको, लेकिन जितना उनका डिमांड होता है उतना कम नहीं मिल पाती। वैसे वर्कशॉप में जो मेंटेनेंस की व्यवस्था है वो एक टाइम में मतलब 25 बसों की मेंटेनेंस की व्यवस्था है, लेकिन क्योंकि काफी समय से बसों की तादाद जो है वो 153 तक पहुंच गई है तो इस वजह से जो वर्कशॉप अब छोटी पड़ गई है। वर्कशॉप बनाई गई है तो उस टाइम 70 बसों की कैपेसिटी के हिसाब से बनाई गई है, लेकिन अब 25-30 सालों के बाद जो है इसमें बसों की तादाद 153 तक पहुंच गई।